और आप लोगों ने है दार्जिलिंग में, कालिम्पोंग में है रुदेन लेपचा और शांता छेत्री उपस्थित है, शिलीगुड़ी में गौतम देव, अरुण घोष, रोमा, रेशमि एक्का ये लोग उपस्थित है कि उसका बहुत सारे प्रोग्राम उद्घाटन इधर से हो रहा है। तपाई हडू दार्जिलिंग मा कष्ट हनुमंच सब ठीक छो राम छो सुरुमय मैं तपाई सबाई हरुलाई दसाइन तिहारानी भाई टीका को मेरे शुभकामना देने चाहन्छु। आमी आपनादे सकल के शुभ दीपावली, दुर्गा पूजो, छठ पूजो, जगदात्री पूजो अनेक अनेक अभिनंदन जानाच्छी। आप लोग को मैं बहुत बहुत बधाई देने चाहूंगी हमारा जितना भी फेस्टिवल हुआ उनके लिए। जारा स्टॉल करेछेन सकल के मैं अनेक धन्यवाद जानाच्छी। हम आज सातवां सरस मेला का उद्घाटन कर रहे हूं। फर्स्ट टाइम ये दार्जिलिंग में हो रहा है, 6 बार ये सिलीगुड़ी में हुआ है। आज से 24 तारीख तक ये चलेगा। एसएचजी ग्रुप बहुत सारे घर में जो बैठ के तैयार करते हैं और उसका ग्रुप का बहन में तैयार करते हैं और बहुत सारे चीज लेके इधर में आई हुई है। 135 स्टॉल है इधर में और 340 जो हमारा कार्य जो काम करते हैं एसएच ग्रुप का शिल्पी भी है। आज 161 कोटि का ज्यादा 56 स्कीम किया है उद्बोधन किया है, जिसमें पीने का पानी, रास्ता, सास, आंगनवाड़ी सेंटर, स्कूल, नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल, हॉस्टल, चाय बगान के लिए बच्चा लोगों के लिए क्रेस, फूड ब्रिज, गवर्नमेंट भवन बहुत सारे किया है और 500 कोटि का रुपया का हम और आज इनागुरे फाउंडेशन किया है। आपका पता है आज ये मन से 56,000 लोगों को हाथ पे उसको कुछ ना कुछ जाएंगे उसको बैंक अकाउंट में और उसको जो मिलता है सरकार से ये आज जाएंगे। हम सबको अभिनंदन करने चाहूंगी इसी के लिए। आपका पता है हमारा जो सरस मेला होता है ए वन स्टेप डेस्टिनेशन है, वन स्टॉप डेस्टिनेशन। पूरा विश्व भर ऐसा कभी नहीं होता है। हम इसी के लिए दार्जिलिंग में कर रहे हैं कि पूरा विश्व भर का आदमी इधर में आते हैं, बहुत टूरिस्ट आते हैं, पूरा देश भर से आते हैं उसको दिखाने के लिए। आउट टूरिज्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए ये हर चीज सारा विश्व भर बेचे इसका एक डिमांड भी है। बहुत बढ़िया होता है आप लोगों को बनाने का चीज अपनारा खूब भालो तैयारी करें एटा सारा विश्व दरबारे पहुंचे देवार जन्य एतगुलो स्टॉल तैयारी करा हुए अनेक शिल्पी अंशग्रहण करछे। हमारा और एक प्रोजेक्ट है आनंद धारा। हमारा गवर्नमेंट आने का बात शुरू किया है। ये हमारा देश का एक मॉडल है। इसमें 12 लाख अर्थात 12 लक्ष मीन्स 12 लैक्स सेल्फ हेल्प ग्रुप
हम लोगों ने तैयार किया है, जो और कोई जगह में नहीं कर पाया, और कोई स्टेट में। इसको हम ट्रेनिंग देके 1,10,000 करोड़ से ज्यादा इसको बैंक लोन बना दिया। ये लोगों ने अपना अपना बिजनेस करते हैं, ये बहुत अच्छा चीज है। ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्कीम, ये विश्व भर जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा स्कीम है थ्रू आउट द वर्ल्ड। दिस इज ए वन स्टॉप डेस्टिनेशन प्रोग्राम। हम खुश है कि हमारा महिला लोग आज आगे बढ़े, अपन पाए पे खड़ा हुआ और अपना काम करते हैं। हमारा जीटीए एरिया में 11,000 का ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप हम लोग तैयार किया है और 500 करोड़ लोन भी दिया है। आप देखिए इसमें दार्जिलिंग कालिम्पोंग का भी बहुत सारे स्टॉल है। मैंने दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग, सिलीगुड़ी, कूचबिहार, बर्धमान ईस्ट, बर्धमान वेस्ट, मिदनापुर ईस्ट, मिदनापुर वेस्ट, हावड़ा, हुगली, बीरभूम, साउथ 24 परगनास, नॉर्थ 24 परगनास, झारग्राम, हम सब स्टॉल विजिट किया। मेरे को बहुत बढ़िया लगा। आप जाइए, इसको बहुत बहुत अच्छा से चीज है जो खुद अपन हाथ से बनाते हैं। आप उसको जरूर खरीदिए और घर में रख दीजिए। एक एक चीज का एक एक अच्छा अच्छा क्रिएटिविटी होता है। मैं चाहती हूं कि हमारा स्टूडेंट लोग, बच्चा लोग, जो यंग जेनरेशन, स्टूडेंट्स एंड यूथ, वो आगे बढ़े। छात्र जुबरा नतून प्रजन्मे आगे गया शु। बहुत सारे स्कीम हम लोगों ने बना दिया, जैसे कन्याश्री, शिक्षाश्री, मेधाश्री, स्मार्ट कार्ड, स्टूडेंट स्मार्ट कार्ड, कॉलेज तक भी आपको मिलेगा स्कॉलरशिप। टुमारो इज द चिल्ड्रन डे। माय ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल माय चिल्ड्रन एंड बेस्ट ऑफ लक टू देम फॉर देयर फ्यूचर ऑल्सो। সবাইকে শিশু দিবসে আমার প্রাণ ভরা আশীর্বাদ, অভিনন্দন জানাই। দার্জিলিং মে চা তো এক সেরা হ্যায়, আজ কা বাত নেই হ্যায়। মেয়ে জব পেলে ইউএসএ গিয়া থা, ইউকে গিয়া থা, বহুত দিন পেলে মেনে দেখা জো ট্রানজিট হতা হ্যায়, जो वेटिंग लाउंज होता है, उसमें जो चाय का पैकेट है उसका नाम पे दार्जिलिंग टी लिख के रखा। मेरे को बहुत खुश आया। अभी थोड़ा दिक्कत भी फेस करने पड़ता है कि दार्जिलिंग का टी का नाम पे कोई 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 खराब टी भी भेजते हैं जो दार्जिलिंग का नहीं है, इसको बदनाम करने के लिए। उसमें हम लोगों ने तैयार किया, इसको सिस्टम हम ऐसा करेंगे कि हमारा दार्जिलिंग का टी को बदनाम करने का कोई जायगा हम नहीं देंगे। मैं आप लोगों को कहने चाहूंगी कि हम लोग 11-12 साल में दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जो पहले यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट थे, अभी तो 2 डिस्ट्रिक्ट हो गया है, 11,000 करोड़ रुपया जो हम लोगों ने खर्चा किया है। खाली जीटीए को हम 1,500 करोड़ रुपया दिया है, लेकिन जीटीए का बाद भी गवर्नमेंट का ओर से जो खर्चा हुआ है वो 11,000 करोड़ का है और 4,000 करोड़ का काम अभी चल रहा है।
और पूरा नॉर्थ बंगाल में उत्तर बंग मिलिए हमारा गवर्नमेंट 13 साल में खर्चा किया है 1,64,000 करोड़ रुपया 1,64,000 करोड़। हमने देखिए टूरिज्म इंसेंटिव पॉलिसी किया है, टी टूरिज्म किया है, होम स्टे टूरिज्म बना है। आपको पता है हम पहले लामाहाटा में किया था, लामाहाटा इज द मॉडल ऑफ होम स्टे पॉलिसी, और अभी तो हर जगह में है। हम लोग चाहते हैं और बड़े घर घर में होम स्टे हो, तो आप लोगों का घर में बैठ के आप बिजनेस कर सकते हैं, आपको बाहर में जाने का जरूरत नहीं है। खाली दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में 1,400 लोगों को 12,40,00,000 का ज्यादा इंसेंटिव दिया है होम स्टे के लिए। और भी बहुत सारे काम हुआ है, जैसे आप रास्ता देखा है, बहुत सारे नया रास्ता हम बनाते हैं। हमारा पंचायत डिपार्टमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट हमको रुपया नहीं देते हैं, और वोट का टाइम में जरूर वोट लेके चला जाता है, लेकिन उसका बाद ये करेंगे वो करेंगे हैन करेंगे तैन करेंगे कुछ नहीं करते हैं, झूठा कह के चला जाते हैं। हम बेचारा एमपी इलेक्शन में लामा साहब को जो एक से डीएम था बहुत सारे काम लेकिन वो नहीं जीत पाए, कैसे जीतेगा, वो तो झूठ नहीं कहते हैं। आज ज्यादा झूठ का जमाना हो गया, फेक न्यूज का ज्यादा जमाना हो गया, नैरेटिव ज्यादा हो गया। जो जीत गया बहुत सारे रुपया है उसके पास, चुनाव का टाइम में वो लोग आते हैं और रुपया डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं।